कोविड-19 कोरोना वायरस की हालिया भिन्नता के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, जो भारत सहित दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए अत्यंत दुख का कारण है। कोरोना वायरस स्वास्थ्य प्रणाली को हल्का, मध्यम या गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जो घातक भी हो सकता है। यदि हम नियमित रूप से सावधानियों का पालन करें तो हम स्वयं और अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को कोविड-19 बीमारी से बचा सकते हैं। जब तक इलाज या टीकाकरण उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक इन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है। रोग संचार एवं शरीर पर प्रभाव। यह रोग संक्रमित व्यक्ति की लार की बूंदों या नाक के द्वारा फैलता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा छींकने या खांसने पर ये बूंदें उसके द्वारा स्पर्श किए गए सतहों जैसे कि टेबल, दरवाजों के हैंडल्स पर जा बैठता है। और जब एक स्वस्थ व्यक्ति इन वस्तुओं को छूता है और अपने चेहरे, नाक, मुंह या आंखों को स्पर्श करता है, तो ये वायरस नाक और गले के श्लेष्मा झिल्ली तक पहुंचता है, जिससे गले में खराश और सूखी खांसी शुरू हो जाती है। ये वायरस वायु मार्ग द्वारा फेफड़ों तक फैल जाता है, जिससे फेफड़ों में सूजन हो जाने के कारण व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों या पुराने रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों में निमोनिया और अन्य गंभीर लक्षण होने का खतरा हो सकता है। जब ये वायरस हमारी जठरांतर प्रणाली को प्रभावित करता है, तब मतली, दस्त, अपाचन आदि होते हैं और गंभीर स्थिति में व्यक्ति को अंग विफलता या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कोविड-19 के लक्षण। ICMR के अनुसार ज्यादातर संक्रमित लोग जिनमें कोई गंभीर बीमारी का लक्षण नहीं हो, वे बिना उपचार के भी ठीक हो जाते हैं। WHO का कहना है कि 5 व्यक्तियों में से केवल 1 व्यक्ति गंभीर बीमारी का विकास करता है और लगभग 80% अस्पताल में भर्ती हुए बिना ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर लोग इस बीमारी के लक्षण 5 से 7 दिनों के भीतर दिखाते हैं, परंतु 14 दिन भी लग सकते हैं। कोविड-19 के आम लक्षण। बुखार, सूखी खांसी, थकान। अन्य लक्षण, शरीर दर्द, नाक बंद, सिर दर्द, आंख आना, गले में खराश, दस्त, स्वाद या गंध का कम होना, त्वचा पर चकते, हाथ और पैर की उंगलियों के मलिनकरण। सावधानियां और रोकथाम के उपाय। हमेशा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। लॉकडाउन के दौरान निर्देशों के अनुसार घर के अंदर ही रहें और स्वस्थ जीवन शैली का अभ्यास करें। जब बाहर सभी से मिलते हैं तो शारीरिक दूरी और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए कम से कम 1 मीटर की दूरी पर ही रहें। किराने का सामान, चिकित्सा आपूर्ति खरीदने के लिए बाजार में लगातार जाने से बचें। जब आप घर से बाहर निकले तो मास्क और दस्ताने का प्रयोग अवश्य करें। 20 सेकंड तक अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोते रहें। हाथों पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों, नाक या मुंह को ना छुएं। एक लचीली कोनी का कोन बनाकर छींके या खांसिए या रुमाल का इस्तेमाल करें। अगर आप टिश्यू का उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग के तुरंत बाद उसे कूड़ेदान में डाल दें। किसी के घर ना जाएं और ना ही किसी को अपने घर बुलाएं। हाथ मिलाने और गले लगने से बचें। सामूहिक समारोह और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 2 पहिया वाहनों में केवल 1 ही व्यक्ति और 4 पहिया वाहनों में 3 व्यक्ति ही सफर करें। महामारी कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जिसे हम अपने फोन पर डाउनलोड करके स्वयं, परिवार और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। भारत के भीतर यात्रा हाल ही में खुली है, लेकिन हमेशा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
जब तक विश्व के सर्वश्रेष्ठ दिमाग इस बीमारी का टीका इजाद करने की दौड़ में लगे हैं, तब तक हमें अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रखना है। हम सभी को साथ मिलकर इस महामारी कोविड-19 से जीतना है।